चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ पर्दाफाश, चार गिरफ्तार, 1 करोड़ से ज्यादा का माल बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूर्वी चंपारण बिहार से संचालित एक अंतर्राज्यीय चोरी के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान विकास राम उर्फ राजन, अनवर उल हक, राजेश कुमार साह और गुल आलम के रूप में हुई है। इनकी गिरफ्तारी से 5 मामले सुलझाए गए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी की संपत्ति की बरामदगी भी की है। क्राइम ब्रांच के विशेष पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव ने बताया कि हाल के महीनों में गोदामों में चोरी की कुछ घटनाएं हुई है, जिनके तौर तरीके समान है। अपराधों की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा की टीम को इन मामलों पर काम करने का जिम्मा सौंपा गया था। टीम ने तकनीकी निगरानी के साथ सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की। टीम को बिहार स्थित चोरी गिरोह के सदस्य विकास उर्फ राजन के ठिकाने के बारे में एक विशेष जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी मिली कि आरोपी चोरी का सामान दिल्ली के सनोट गांव स्थित एक गोदाम में रखा है। टीम ने तुरंत छापेमारी दल का गठन किया और सनोट स्थित गोदाम में छापेमारी की। पुलिस की मौजूदगी को भांप कर आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम के सदस्यों के त्वरित हस्तक्षेप के कारण वहां मौजूद चारों को पकड़ लिया गया। आरोपी व्यक्तियों की पहचान विकास राम उर्फ राजन, अनवर उल हक, राकेश कुमार शाह और गुल आलम के रूप में हुई है। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया गया है। बरामद किए गए सामान में चोरी हुए PVR पाउडर, करीब 2000 से अधिक पैकेट मिले, जिनकी कीमत करीब 60 लाख रुपए है। 10 लाख कीमत के कपड़े के 555 रोल और चोरी के चक्के के 9 पैकेट और अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आरोपी विकास उर्फ राम उर्फ राजन गिरोह का सरगना है, जो गोदामों से बड़ी मात्रा में सामान चोरी करने में माहिर था। विकास और उसके सहयोगी भारी इलाकों में गोदामों के क्षेत्रों के आसपास मोटरसाइकिल पर रेकी करते थे, जिसका उद्देश्य उन गोदामों की पहचान करना था जो पर्याप्त सुरक्षित नहीं है। इस बीच वह किराए पर कुछ गोदाम भी ले लेते थे, या तो मालिक को यह वादा करके कि वह जल्दी किराए के समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगे, या फिर उन्हें फर्जी पहचान पत्र दे देते थे। उन्होंने फर्जी आईडी पर सिम कार्ड और सेल फोन भी हासिल किए थे। वह ऐसे चिन्हित गोदामों के ताले रात के समय तोड़ते हैं, फर्जी आईडी पर जारी सिम का इस्तेमाल कर वह ट्रांसपोर्टरों से संपर्क करते थे और उनसे ट्रक मंगवा कर इन गोदामों से अपने किराए के गोदाम तक माल पहुँचाते थे। वहाँ से वह आगे के माल की ढुलाई के लिए दूसरा ट्रक मंगवाते थे। पूछताछ में विकास और अनवरुल हक बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और एक साथ पढ़े हैं। साल 2015 में विकास को पहली बार चोरी के मामले में दिल्ली के समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये गिरोह दिन में ऐसे गोदामों की रेकी करते थे जो माल से भरे हों और बिल्कुल भी खतरा ना हो। इसके बाद गिरोह अपने टारगेट वाले गोदामों को रात के समय ट्रक लगाकर सारा सामान चोरी करके फरार हो जाते थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार करके 1 करोड़ से ज्यादा का माल बरामद किया है। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश आवर, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।